हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो को याद में कोई बनाए ताजमहल इस साउंड पे अपलोड किया गया है और ये साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यदि आप इस साउंड पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पर कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और जो भी आपका बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आई डू फेड आउट ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो आपको स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं 28 है, इसे आपको कुछ इस तरह से 50 के आसपास एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। अब देख सकते हैं जब वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो आपका ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो चुका है। आपको यहाँ पर दो वीडियो शूट करना है 4 से 5 सेकेंड के आसपास। इसके बाद अब एक्स्ट्रा पार्ट को टीम टू राइट कर दिया हूँ। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैं एक वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा ओल्ड वीडियो ही है, तो सिंपल मैं पहले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको इसे स्क्रीन पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद अगेन आगे की तरफ लेकर आना है वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ तक आपका एक ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, यानी कि ब्लैक कलर जो दिख रहा है वहीं तक आपका सेंड चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पार्ट को स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं, सॉरी इसे मैं बैक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। अब देख सकते हैं हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कलर मैच करना है, तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से रेड कलर का है तो इसे आपको भी रेड कलर करना है। तो सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आना है कलर फिल्टर पर, और यहाँ पर बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको कलर बढ़िया लग रहा है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। सिंपल मैं एक कलर रहने देता हूँ, इसके बाद डन करता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं आप वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है और सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। इस वीडियो में यदि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद जहाँ से ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो को प्रेस करेंगे और इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देते हैं और आपका वीडियो फाइनली एडिट हो चुका है। तब वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। वीडियो को काफ़ी बेहतरीन बनाना है, सिंपल इस पोजीशन में आपको आना है, देख लेना मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे बुक मार्क दे देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सॉरी आई ची यहाँ पे आता हूँ मैं थोड़ा हल्का, हाँ चलो इसी पोजीशन में आता हूँ, इसे बैक करना पड़ेगा फिर से हमें और कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एडजस्ट मैंने कर दिया हूँ। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करूँगा, एक तरफ लेकर आना है और यहाँ पे फिर से प्लस दे देना है, पीछे आना है इसे प्लस दे देना है, ठीक है। इसके बाद इस बीच में आना जहाँ पे आपने बुक मार्क दिए थे और इस वीडियो को हल्का जूम कर देना है। इसके बाद इसे हम राइट क्लिक करते हैं। अब वीडियो प्ले करेंगे तो देखना आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, देख रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। तो चाहे तो आप इस तरह से वीडियो में आपको बेस इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा ऑलरेडी साउंड ऐड है तो साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।